मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली है, जिसको लेकर पूरे देश से लोग अलग अलग अंदाज में अयोध्या धाम के लिए पहुंच रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एक बाबा हैं वो अपने बालों से रथ को खींचकर अयोध्या धाम ले जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये बाबा कहाँ पर, कहाँ से प्रारंभ करके और कितने किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दें, ये बद्री बाबा हैं जो दमोह ज़िले के बटियागढ़ से यहाँ पे अपने बालों से खींचकर रथ को ले जा रहे हैं, और इनका सफ़र 501 किलोमीटर का है, जो कि धीरे धीरे करके छतरपुर पहुँचे। और छतरपुर में इन्होंने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत की और बताया कि कैसे इनका यह सफ़र शुरू हुआ है और कैसे वो अयोध्या धाम जा रहे हैं और किसकी प्रेरणा उन्हें लगी थी। उन्होंने बताया कि वे हनुमान जी के भक्त हैं और एक कलाकार हैं, और उन्हें इस तरीके का टैलेंट है कि वो अपने बालों से रथों को खींचते हैं, वाहनों को खींचते हैं। तो उन्होंने हनुमान जी की प्रेरणा से अयोध्या धाम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह रथ भी खींचना शुरू कर दिया। यहाँ पे आप तस्वीर में देखिए कि पूजन पाठ करने के वो उपरांत यहाँ पे दमोह ज़िले के बटियागढ़ से रथ को प्रारंभ किया गया और वो अपने बालों से रथ को निरंतर खींचते हुए चले जा रहे हैं। अब हम आपको वरदान एक्सप्रेस की इस खास प्रस्तुति में यहाँ पे बद्री बाबा से मिलवाते हैं, और हमारे विशेष संवाददाता लोकेश चौरसिया ने यहाँ पे बद्री बाबा से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सोरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया था, अयोध्या राम मंदिर को लेकर हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे लोग अयोध्या धाम तक जा रहे हैं। तो एक ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर ये बाबा जी हैं और अपने बालों से खींचकर इस रथ को ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप वरदान एक्सप्रेस पर देख रहे हैं, किस तरीके से बाबा जी यहाँ पे अपने सर के बालों से इस रथ को खींच कर ले जा रहे हैं, और यहाँ पे स्वागत करने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे बाबा जी का ये रथ आगे की ओर रवाना हो रहा है, और यहाँ पे बद्री बाबा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रथ देखिए किस तरीके से ये रथ अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है, और वरदान एक्सप्रेस ये तस्वीरें आपको छतरपुर से दिखा रहा है, जहाँ पर बाबा जी इस रथ को खींच रहे हैं। और यहाँ पे वरदान एक्सप्रेस पर लगातार ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा को, देखिए कि बाबा किस तरीके से जा रहे हैं। हम बात करेंगे और स्पीकर को बंद कर दीजिए, स्पीकर बंद कर दीजिए, हम ये कहेंगे। और यहाँ पे बाबा जी से बात करें, क्या नाम है बाबा जी? बद्री विश्वकर्मा। कहाँ से आप कहाँ तक जा रहे हैं? हम बटियागढ़ से राम मंदिर से निकले हैं और हम बटियागढ़ अयोध्या धाम जा रहे हैं। कितने किलोमीटर का ये सफर है? 501 किलोमीटर का सफर है। अच्छा, 501 किलोमीटर बालों से बांध कर बंद करो, कोई बंद करो। देखो, हमारा कहना ये था कि राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर। हाँ। और भव्य राम मंदिर बन गया है। नहीं, और बालों से बांध कर ले जा रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हम भैया देखो कलाकार हैं, बजरंग बली की आशीर्वाद से, कृपा से उन्हीं ने प्रेरणा दी हमारे कि भव्य राम मंदिर बन गया। 20 साल पहले हमने रोजाना कितने किलोमीटर चलते हैं? 20 साल पहले हमने कसम खाई थी कि भव्य राम मंदिर बन जाएगा, तो हम अपनी चोटी से बाल खींच करके हम वहाँ ले जाएंगे अयोध्या। तो हम कितने किलोमीटर चल लेते हैं? 501 किलोमीटर है। अरे, हमें 50 किलोमीटर 24 घंटा में चलना है। कितने, कब तक पहुँच पाएंगे अयोध्या? हमारा ना 22 तारीख को अयोध्या पहुँचना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से बद्री बाबा ने बताया कि उन्हें 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचना है, और इस तरीके से विशाल ये रथ आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जहां पर बाबा जी, बद्री बाबा जो हैं वो ले जा रहे हैं। यहां पे इस तरीके से तस्वीरें वरदान एक्सप्रेस ने आपको दिखाई, और यहां पे अब हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे, और इसके बाद अयोध्या में और किस तरीके का अपडेट चल रहा है वो भी वरदान एक्सप्रेस पर दिखाया जाएगा। फिलहाल कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।